दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं ये ग्रैंड आइटन है, मैग्ना है, गाड़ी चालू है और हमने एसी चालू रखा है और कूलिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 8.8 पे है। लेकिन इसमें एक मसला ये हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं ब्लोअर की स्पीड 2 पे कर रहा हूं तो एसी का लाइट ब्लिंग होना बंद हो जाता है। अब 1 पे करता हूं फिर से वापस से चालू हो रहा है, दूसरे पे ले रहा हूं बंद हो रहा है, तीसरे पे ले रहा हूं बंद हो रहा है, चौथे पे ले रहा हूं फिर भी बंद हो रहा है, बंद ही रहता है। यानी इसके कंट्रोल पैनल में कुछ न कुछ तो फॉल्ट है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। 2 पे लेता हूँ ऑटोमेटिक एसी वगैरह सब बंद हो जाता है और लाइट भी ब्लिंक करना बंद कर देता है, लेकिन बट 1 पे लेता हूँ तो पूरी सिस्टम जो है ना प्रॉपर चल रहा है, कूलिंग भी सही हो रही है, सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। इसका हीटर का भी फ्लैप में मोड बटन भी लेता हूँ तो प्रॉपर चल रहा है, आउटसाइड एयर भी लेता हूँ तो एसी चालू रहता है, सब सिस्टम सही चल रहा है। लेकिन ब्लोअर की स्पीड में बढ़ाता हूँ तो एसी ऑटोमेटिकली लाइट ब्लिंग होना यानी एसी ऑटोमेटिकली बंद पड़ जाता है। तो इसके लिए हमें कंट्रोल पैनल खोलने की जरूरत है। तो कंट्रोल पैनल खोलने से पहले मेरे को ये वाला फ्लैप फाइबर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद निकल जाएगा। तो चलो हम इसको खोलते हैं फिर देखते हैं कि अंदर कुछ हुआ है क्या, शॉर्ट सर्किट हुआ है क्या, क्या हुआ है। चलो फिर हम खोलना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे। तो खोलने के लिए सबसे पहले आपको ये वाली जो कवर है मीटर के ऊपर का, ये मीटर का कवर खोलना पड़ेगा, उसके बाद टेप निकालना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद ये वाला निकलेगा। तो मैं मीटर का ऊपर कवर खोल दिया हूँ, फिर टेप निकाल लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं मैंने टेप निकाल दिया है और ये स्क्रू है इसका, ये स्क्रू खोलने के बाद फिर ये खींच के निकल जाता है, टेप भी खींच के ही निकालना पड़ेगा, इजीली नहीं निकलता है, खींच के निकालना पड़ेगा आपको। तो चलो फिर हम ये सब स्क्रू खोल लेते हैं, फिर इसको निकाल के, और एक स्क्रू उस साइड रहेगा, वो स्क्रू खोलने के बाद ये इजीली निकल जाता है। चलो हम इसको निकाल के देखते हैं। फिर पर मैंने ये स्क्रू खोल दिया और इसके ऊपर से जो ये जो दिया है ना ये भी खोलना पड़ेगा हमारे को, क्यों, क्योंकि इसका और इसका केबल निकालने के लिए हमारे को इस साइड से जगह मिलती है, इसकी वजह से ये भी निकालना पड़ेगा हमारे को। तो ये खोलने के लिए 2 10 नंबर यहाँ दिया हुआ है और 2 स्क्रू ये और ये रही स्क्रू, ये दोनों स्क्रू खोल के ये इजीली बाहर आ जाएगा अपना, ऐसा कि आप देख पा रहे हैं बाहर आ चुका है। अब हम सब केबल वगैरह ये सब पैनल वगैरह निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। ताकि आप देख पा रहे हैं मैं ऊपर का फाइबर निकाल चुका हूँ, अब हमारे को ये निकालना पड़ेगा, इसमें 4 स्क्रू दो चार स्क्रू दिया है, 4 स्क्रू खोल के फिर हम इसको बाहर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। ताकि आप देख पा रहे हैं मैं इसकी दोनों सॉकेट भी निकाल दिया हूँ, केबल भी निकाल दिया हूँ, अब ये इजीली मेरा बाहर आ गया। चलो अब हम इसको बाहर लेके खोलते हैं कि कुछ इसमें शॉर्ट सर्किट वगैरह क्या हुआ है नहीं हुआ है, देख लेते हैं एक बार रिपेयरिंग होने जैसा है क्या नहीं। चलो फिर हम बाहर लेके इसको खोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसको सब छुट्टा कर दिया, बटन वगैरह, बटन खोलने के बाद तभी ये खुलेगा अंदर से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं माइनस स्क्रूड्राइवर से कटाना पड़ेगा, सब ये सब मैं निकालने के बाद ही ये आपका बाहर आएगा बटन। तो ये जो लॉक देख रहे हैं आप, ये सब लॉक बहुत सावधानी पूर्वक आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि टूटता भी बहुत जल्दी है, ये सब जितने भी लॉक है सब लॉक आसानी से खुल जाता है पर सावधानी पूर्वक निकालना पड़ेगा, उस पीछे ढक लेंगे ये इजीली निकल जाता है। तो मैं निकाल के नहीं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसको निकाल दिया है और ये रही इसका सर्किट बोर्ड, ये रही देख पा रहे हैं। तो हम इसको पूरा खोल लेंगे, पूरा खोलने के बाद फिर देखेंगे कुछ शॉर्ट वगैरह हुआ है क्या, देखते हैं फिर खोल के। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने कंट्रोल पैनल लगाया पर इसमें कंट्रोल पैनल में कुछ फॉल्ट है नहीं, जो भी फॉल्ट है इसमें फॉल्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कितना कचरा मट्टी वगैरह जाके बैठा हुआ है, इसकी वजह से यह प्रॉपर ऑपरेट नहीं हो रहा था। तो हम इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करके फिर फिटिंग करेंगे, जो भी फॉल्ट है इसी में फॉल्ट है। तब हम इसमें को क्लीन करते हैं, देख रहे हैं आप कितना जंग पकड़ गया है, इस वजह से दूसरे पे तीसरे पे एसी चालू नहीं हो रहा था। तो चलो हम इसको क्लीन करके फिर फिटिंग करेंगे, फिर देखेंगे चलता है क्या नहीं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी अपना ये जो लाइट है एसी का बटन का लाइट है, यानी एसी जब चालू करेंगे आप तब ये लाइट आता है। तो मैं अभी ब्लोअर की स्पीड 1 पे रखा हूँ, अभी बंद है तो लाइट ग्लो होना बंद हो गया है, लाइट ग्लो होना बंद हो गया, लेकिन अभी बंद है। अभी ब्लोअर की स्पीड 1 पे रखा हूँ तो लाइट ग्लो हो रहा है, 2 पे भी रखा हूँ तो ग्लो हो रहा है, 3 पे भी रखा हूँ तो ग्लो हो रहा है, 4 पे भी रखा हूँ तो ग्लो हो रहा है। यानी कंट्रोल पैनल अपना सही था, ये जो बटन है ना इसमें फॉल्ट था, कार्बन वगैरह जम गया था, इसकी वजह से 2-3-4 पे एसी चल नहीं रहा था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंट्रोल पैनल एकदम बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है,
कंट्रोल पैनल में कुछ भी नहीं हुआ, तो चलो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम इसको फिटिंग करते हैं, फिर फिटिंग करने के बाद फिर आपको बराबर समझ में आएगा, चलो फिटिंग करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंट्रोल पैनल में कहीं से कुछ नहीं हुआ है, बस सिर्फ ये बटन का फॉल्ट था जो कि हमने रिसॉल्व कर दिया। चलो अब हम इसको पूरा फिटिंग कर लेते हैं, फिटिंग करने के बाद फिर आगे सेट करके देखेंगे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फाइनली हम इसको फिटिंग कर चुके हैं। ऐसे फिटिंग इसलिए किए हैं क्योंकि केबल का जो सेटिंग करना पड़ता है, एक बार खुलने के बाद इसका सेटिंग प्रॉपर लाना पड़ता है, इसके वजह से हम ऐसे ही फिटिंग किए हैं इसको। तो चलो हम पूरा इसको फिटिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आगे। तो जैसा कि देख रहे हैं मैं सब बटन प्रॉपर फिटिंग कर दिया हूँ, बस इसका पैनल फिटिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने पैनल वगैरह सब फिट कर दिया, सिर्फ अपने को टेप लगाना बाकी है, तो हम ये सब आपको टेप लगा के फिर आपको। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसका सब पैनल वगैरह टेप वगैरह सब फिटिंग कर दिए, कंट्रोल पैनल सब कुछ फिट हो चुका है। अब हम इसका एसी चालू रखे हैं और ब्लोअर चालू है, एक पे पहले चालू होता था एसी और दूसरा पे जब हम करते थे दूसरे स्पीड पे तो एसी का बटन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। तो अभी आप जैसा कि देख पा रहे हैं प्रॉपर चल रहा है, यानी सभी में चालू रहता है, चार तक चालू रहता है। और आप कूलिंग टेम्परेचर भी देख लीजिए 9.2 पे आ चुका है, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो गया है। इसका कंट्रोल पैनल सही था, अंदर जो ब्लोअर की सॉकेट जो रहती है, सॉकेट की खांचा जिसमें बैठता है वो प्रॉपर से अंदर से कार्बन जम गया था, इसके वजह से ये दो पे या तीन पे चार पे चालू करने के बाद ब्लोअर की स्पीड एसी का बटन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता था। तो हेलो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज।